हाई गाइज़ वेलकम बैक टू आर चैनल क्रेजी फूड इज होप यू गाइज आर डूइंग वेल आज हमने सब का रिकमेंडेड मुतंजन बनाए हैं चलिए स्टेप बाई स्टेप हम इसके इंग्रीडियंट्स देखते हैं पहले हम एक वेजल लिया है और उसमें दूध उबालने के लिए रख दिया है ऑलरेडी देखिए उबाल आ चुका है और अब हम इसमें वन कप ऑफ राइस ऐड करेंगे बासमती राइस लिया है हमने और अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप ये रमज़ान को बनाइए बहुत डिफरेंट रहेगा और अच्छा रहेगा बिकॉज़ ये बहुत लोग लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप मुतंजन बनाइए बनाइए तो हमने आज फाइनली वीडियो बना दिया है अगर आपको कुछ ऐसे रेसिपीज चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करना मत भूलिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए करके और फिर हम लिड बंद कर देंगे थोड़ी देर और अच्छे से मिक्स कीजिए मिलाते रहिए हमने थ्री लीटर्स ऑफ मिल्क लिया है देखिए हमारा थोड़ा दूध कम पड़ चुका है इसलिए हम और थोड़ा दूध ऐड करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए जैसे चावल बॉयल होता है मतलब चावल जैसे गल जाता है बिल्कुल वो कंसिस्टेंसी चाहिए हमें देखिए हमने थोड़ा दूध ऐड कर लिया था अगर आपको दूध ऐड करना है अगर आपका दूध कम पड़ चुका है तो आप और एक वेजल लीजिए और दूध को हीट करने के बाद उबाल आने के बाद ही आप ऐड कीजिए इसके अंदर अगर आपका दूध कम पड़ चुका है तभी ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए वरना दाग लग जाएगा नीचे से अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए वो अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हैं कि राइस कितना अच्छे से पक के ऊपर आ चुका है अभी हम शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर टू कप्स ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑलरेडी डाल दिया ये वाला सेकेंड है आपको अपने टेस्ट और मिठास के हिसाब से आप डाल लीजिए हमने थ्री लीटर्स ऑफ मिल्क लिया है इसलिए हमने टू कप्स ऑफ शुगर ऐड किया है अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने हाफ अ के ऑफ खोवा लिया है वो ऐड करेंगे ये रिच इन फ्लेवर्स देगा और बहुत रिच होगा इसका फ्लेवर कुछ एक्स्ट्रा झंझट नहीं कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स में भी आराम से बन जाएगा और फिर हम इसके अंदर येलो कलर डालेंगे केसर येलो देखिए इसका कलर कितना उठ के आ रहा है येलोइश इश कलर देन हमने इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं वन फुल स्पून जो हमने ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया था वो इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए नेक्स्ट हम ड्राई कोकोनट एक फुल ड्राई कोकोनट ग्रेट किया है वो ऐड कर रहे हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब अब इसका फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए देखिए हमने फ़्लेम ऑफ़ कर दिया है इसके बाद हम मिल्क मेड ऐड करेंगे बिकॉज हम मिल्क मेड ऐड कर रहे हैं शुगर ऐड कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा आप अपने स्वीट के हिसाब से ऐड कीजिए अगर आपको स्वीट ज़्यादा पसंद है तो आप डाल लीजिए या फिर कम पसंद है इट्स अप टू यू नाउ दिस इज रेडी नेक्स्ट हम घी डाल घी रखा है पैन में और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून लेंगे थोड़ा घी के साथ काजू बादाम चिरोंजी आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो ऐड कीजिए पर पिस्ता ऐड मत कीजिए इसके साथ थोड़ा काजू या बादाम आ, ये अच्छा रहेगा फ्लेवर अच्छे से मैं भून लीजिए घी के साथ थोड़ा ब्राउनिश कलर होने के बाद हम इसे भी ऑफ़ कर देंगे और जो मीठा था उसके अंदर ऐड कर देंगे फ्लेम ऑफ करने के बाद ही ऐड कीजिए देखिए नाउ दिस इज रेडी सो दिस इज रेडी टू सर्व एक विजन ले लिया है सर्विंग बोल ये थोड़ा गर्म है अगर आप ठंडे होने के बाद गेस्ट आ रहे हैं ठंडे होने के बाद सर्व करेंगे तो इसका फ्लेवर्स और अच्छे रहेंगे और टेस्ट आएगा इसके फ्लेवर्स में कितना यम और रिच दिख रहा है रमज़ान में बनाइए खाइए और हमें कमेंट और सब्सक्राइब करना जो ऑलरेडी सब्सक्राइब करके हैं थैंक यू सो मच जो नए हैं हमारे चैनल पे वेलकम बैक टू तो आर चैनल और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए लाइक करना मत भूलिए स्टेफ से स्टेफ हैप्पी रमज़ान थैंक यू सो मच